अभ्यर्थी है वो अपने आधार कार्ड या क्लास टेन की मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो हम बोलते हैं उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्योंकि अभी ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है और हमने जवान इंडियन आर्मी वेबसाइट को थोड़ा पारदर्शी बनाया है, उसके जो है इसको डिजी लॉकर से जोड़ा गया है। तो ये जो भी अभ्यर्थी है उसका जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल या 10th क्लास की मार्कशीट जो है डिजी लॉकर से कनेक्टेड होना जरूरी है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए पूरे भारत में 176 केंद्र या शहर नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के लिए जो है शहर जो हमने बताए गए हैं रिकमेंड किए उनके बारे में जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। तो इन सेंटर से हर अभ्यर्थी को 5 केंद्र चुनने की व्यवस्था होगी और जो भी उन 5 में से एक जो है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर उसके लिए नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रति कैंडिडेट जो है 500 रुपए का शुल्क रखा गया है जिसमें 50% सेना भारतीय सेना वहन करेगी। जब एक कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के अंतिम चरण में उसको एक बैंकिंग पोर्टल की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। इस बैंकिंग पोर्टल में इस इंडिविजुअल को 250 रुपए देकर या यदि कोई बैंक द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया उसको भुगतान करना पड़ेगा। इस पोर्टल को आसान रखने के लिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो ये जो है इंटरनेट बैंकिंग और UPI बिल और जो हमारे मेजर बैंक है उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ लेन जाने की भी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभ्यर्थी जो है ये सुनिश्चित करें कि उनका जो है इंटरनेट बैंकिंग या उनका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्टिवेटेड हो। एक कैंडिडेट तभी रजिस्टर्ड माना जाएगा जब उसका भुगतान सफल हो जाएगा। जैसे ही उसका भुगतान हो जाएगा उसको एक रोल नंबर दिया जाएगा। ये रोल नंबर जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया में वही रोल नंबर उसके साथ रहेगा। आवेदन कैसे करें इसके लिए जो है एक पूरा प्रोसीजर जो है एक वीडियो में उपलब्ध है। ये वीडियो YouTube एवं जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे उपलब्ध है। झारखंड के लिए जो हमने 4 शहर अनुशंसित किए हैं उसमें रांची है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है और दानापुर है। ये हमने अनुशंसित किए हैं। जब इनका जो है कंफर्मेशन आ जाएगा ये कैंडिडेट्स को उनके रजिस्ट्रेशन के एडमिट कार्ड के साथ ही प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनका जो एडमिट कार्ड है वो एक अभ्यर्थी को 10 से 14 दिन पहले प्राप्त होगा। जो उन्होंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पंजीकरण के समय दिया है उसमें उनको SMS या ईमेल के द्वारा पता चल जाएगा। उसी में जो केंद्र दिया गया है उसका पूरा पता भी दिया जाएगा। एग्जाम कैसे दिया जाए या हाउ टू अपीयर ऑन ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इसका भी एक जो है पूरे प्रोसीजर का एक वीडियो बनाया गया है और ये वीडियो भी जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट और YouTube दोनों पर उपलब्ध है। यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो एग्जाम जो है उसके पैटर्न या सिलेबस उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और कैंडिडेट्स की सहायता के लिए हर एक कैटेगरी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। इन प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये लिंक अपने घर बैठे हुए अभ्यर्थी अपने मोबाइल पे इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड कंप्यूटर को प्राप्त कर सकता है। इस लिंक के द्वारा उसको बिल्कुल वही हर एग्जाम की प्रैक्टिस करने की सहायता मिलेगी और जैसा क्वेश्चन या जो ऑनलाइन एग्जाम उसके केंद्रों में होगा उसी तरह उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ कुछ एक जरूरी सूचना है या संदेश है अभ्यर्थियों के लिए कि अभ्यर्थी जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट या YouTube में जाकर ये वीडियो को अवश्य देखें
ताकि उनको अपने एग्जाम देने में, अपने रजिस्ट्रेशन करने में सहायता मिले। इसी की तरह उनके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल है वो एक्टिवेटेड हो और इस नंबर को और इस ईमेल को वो बदलेगा, क्योंकि इसी के ऊपर सभी संदेश आएंगे। तीसरा, जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय सचेत रहे, कोई भी अगर गलती हो जाएगी उसको ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो जो भी अपनी डिटेल्स भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, पंजीकरण के दौरान ध्यान पूर्वक रखें और अपना जो है डिजी लॉकर को एक्टिवेट करके रखें, क्योंकि डिजी लॉकर से ही उनका आधार कार्ड या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिंक किया गया है। ऑनलाइन एग्जाम के प्रदर्शन के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स है उनका नॉमिनेटेड वैल्यू जो जो भी जगह निर्धारित की गई है वहां पे रिपोर्ट पर वैल्यू होगी, वहां पर उनका फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके पश्चात उनका मेडिकल टेस्ट होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के अंकों पर आधारित एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और ये पहले भी वैसे ही प्रोसीजर हो रहा था, इसमें पहले फिजिकल टेस्ट होते थे, एग्जाम बाद में होता था, अभी यही है कि पहले एग्जाम होगा और फिर फिजिकल टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों को बोनस मार्क्स की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, ये बोनस मार्क्स उनको जो स्पोर्ट्स और एनसीसी के लिए है। टेक्निकल एंट्री के लिए इस बार आईटीआई क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए 50 अंकों तक रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यदि कोई संदेह है या कोई शक है या कोई डाउट है उसको दूर करने के लिए हेल्थ सेंटर बनाया गया है। रांची ERO में भी हमने एक हेल्थ सेंटर बनाया है, ये वर्किंग आवर्स में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर कुछ डिटेल दी गई है, वहां पर ईमेल द्वारा और एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ बताना चाहूंगा। मोबाइल नंबर है 7996157222, इस पे वो लोग संपर्क कर सकते हैं। अंतिम में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया जो है पूरी ऑटोमेटेड हो गई है, इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम होगा और सभी कैंडिडेट्स को बताया जा रहा है कि वो दलालों से बहकावे में ना आए और वो दलाल वगैरह उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं। सेना में भर्ती जो है पूरी निष्पक्ष रूप से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। यहाँ पर हमारा मीडिया अपडेट समाप्त होता है, धन्यवाद। जय। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।